आजकल ओटीटी की वजह से या फिर इंटरनेट की वजह से लोगों का जो मूवीज देखने का दायरा है वो बढ़ चुका है। आजकल लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड से बाहर निकलकर फ्रेंच, स्पेनिश या फिर कोरियन ऐसी तरह तरह की लैंग्वेजेस की मूवीज देखना या फिर सीरीज देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं आज ऐसी 5 कोरियन सीरीज लेके आया हूँ जो हिंदी में अवेलेबल है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और राइड का मजा लीजिए। नंबर 5, रिच मैन। ये 2018 की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि ली यू चान ये एक एरोगेंट इंसान है और एक आईआईटी कंपनी का सीईओ भी है, जो एक ऐसे कंडीशन से गुजर रहा होता है जिसमें उसको लोगों के चेहरे याद नहीं रहते। और एक लड़की होती है हा योन सू, जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और वो उसी के आईटी कंपनी में ट्राई कर रही होती है जॉब के लिए। ये सीरीज एक क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी का सेटअप रखती है जिसकी वजह से ये उस टाइम पे कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, जिसे आईएमडीबी पे 6.8 की रेटिंग मिली है। नंबर 4, ब्राइड ऑफ द सेंचुरी। ये 2014 में आई एक रोमांस से भरपूर सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि चॉय फैमिली जो है उनपे एक कर्स होता है कि जो भी उनका जो बड़ा बेटा रहेगा उसकी जो ब्राइड रहेगी, ब्राइड यानी जिससे उसकी शादी होने वाली है, वो हमेशा मर जाएगी। और इसी तरीके का एक हादसा चॉय कैंग जू के साथ होता है जब उसकी जो ब्राइड होती है वो शादी के एक दिन पहले ही मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसे आईएमडीबी पे 7.1 की रेटिंग है। नंबर 3, क्वीन ऑफ मिस्ट्री। ये 2017 में आई एक कॉमेडी सीरीज है जिसकी स्टोरी का प्लॉट ये है कि जो प्रोसिक्यूटर की वाइफ होती है उसका हमेशा से सपना होता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने, और एक दिन वो ऐसे इंसान से मिलती है जो एक पैशनेट डिटेक्टिव होता है, जो उसे एक अपॉर्चुनिटी देता है, यानी प्रोसिक्यूटर की वाइफ को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना जो सपना है पुलिस ऑफिसर बनने का वो पूरा कर सके। और बाद में वो दोनों साथ मिलके मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करते हैं, जिसे आईएमडीबी पे 7.5 की रेटिंग है। नंबर 2, माय फर्स्ट लव। ये 2019 में रिलीज हुई एक रोमांटिक सीरीज है जिसमें ली जुंग शिन ये एक गुड लुकिंग मैथ टीचर होता है जो अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूला, जिसे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन एक दिन वो बाय एक्सीडेंट पास्ट में चला जाता है। और उसी पास्ट में जाता है जब वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जहां वो खुद के ही यंग वर्जन से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसका प्यार उसे मिलता है या नहीं, तो ये जानने के लिए आपको तो सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज को आईएमडीबी पे 7.5 की रेटिंग है। नंबर 1, डिसेंडेंट्स ऑफ सन। ये 2016 में आई एक रोमांटिक सीरीज है जो एक लव स्टोरी को दिखाती है कि कैसे कोरियन स्पेशल फोर्स के कैप्टन को एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है जो सियोल के एक हॉस्पिटल में सर्जन होती है। इस सीरीज में एक डेडली इवेंट के टाइम की कहानी दिखाई गई है जब इन दोनों के प्रोफेशंस और मदरलैंड अलग होने की वजह से ये कैसे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो फिर आगे क्या होता है, वो दोनों वापस मिलते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको तो सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज को आईएमडीबी पे 8.3 की रेटिंग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में मुझे ये बताइए कि आप इनमें से कौन सी सीरीज देखने वाले हैं अभी, और आगे मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगा। तो मेरे साथ बनी रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।